नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआईएमसी की वैकेंसीज के ऊपर। बॉयज़ की कितनी सीट्स हैं, कितने कितने स्टेट्स में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर बात करेंगे। हम पेरेंट्स को बताते भी हैं, लेकिन कभी कभी बहस भी हो जाती है पेरेंट्स के साथ। उनको यकीन नहीं होता कि उनके स्टेट से इतनी कम सीट्स हैं, या उनको लगता है कि हमारे स्टेट से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। या क्योंकि देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, सीट्स कितनी हैं और कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, स्टेट वाइज कोटा है। अगर स्टेट से सीट्स फुलफिल ना हो तो फिर किसी और स्टेट्स के दो से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन या एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। मतलब एक स्टेट से अगर एक सीट है तो दो बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। वो किस केस पे होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आइए पहले आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आरआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आरआईएमसी ने एक साल पहले ही आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में बता दिया था। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स खुद से देखें और उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप आरआईएमसी गूगल में सर्च करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी, rimc.gov.in। उस पर क्लिक कर जाना, इस तरीके का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के पोर्टल में आप आओगे, राइट कॉर्नर पे आप देखोगे, ऐसे स्क्रॉल डाउन कर लेना, काफ़ी नीचे आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर देखिए, ये 19th अप्रैल 2023 लास्ट ईयर का है ये, ठीक है। ये जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट्स एंड जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज़ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आज मैं बॉयज़ के बारे में बात करूँगा, एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा गर्ल्स के ऊपर। आप जैसे इसको क्लिक करोगे ना, तो ये पीडीएफ खुल जाएगी, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें और इसमें आप रिस्पेक्टिव स्टेट्स की रिस्पेक्टिव सीट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। चलिए रिस्पेक्टिव बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है। कितने क्या स्टेट्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट्स यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज बॉयज कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश अगेन बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन अगेन एक सीट है। अरुणाचल प्रदेश की भी एक सीट है। खास बात यह कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक एक रिप्रेजेंटेशन है, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो 7 सीट्स वहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। आसाम से भी एक सीट है। अब आप बोलोगे सर आसाम में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आसाम की सीट एक ही है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है। बिहार में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट सीट इज़ वन ओनली। छत्तीसगढ़ में भी सीट एक है, दिल्ली में भी सीट एक है, गोवा में भी सीट एक है, गुजरात में भी सीट एक है, हरियाणा में भी सीट एक है, हिमाचल प्रदेश में भी एक सीट है, जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सीट है। तो आप बोलोगे सर सारे स्टेट्स में एक एक सीट है, तो थोड़ा सब्र करो, अभी नीचे आते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, ओके। थोड़ा सा नीचे आके मैं आपको दिखाता हूँ और स्टेट्स का क्या हाल है। तो जम्मू एंड कश्मीर तक तो हमने देख लिया था कि रिप्रेजेंटेशन एक एक ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं झारखंड, एक सीट है, कर्नाटका में एक सीट है, केरला में एक सीट है, मध्य प्रदेश में एक सीट है, मध्य प्रदेश तक एक एक सीट ही आ रही है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन दो है, ठीक है, दो सीट्स है महाराष्ट्र की, मणिपुर की एक सीट, मेघालय एक सीट, मिजोरम एक सीट, नागालैंड एक सीट। देख रहे हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहले बड़ा कन्फ्यूजन था, पहले लगता था कि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक ही सीट है, लेकिन अब हर एक स्टेट की एक रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। मैं अभी कहना चाहता हूँ सारे मेरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरआईएमसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। आपके हर एक स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेशन है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कम बच्चे अवेयर हैं, चांसेस बहुत अच्छे हैं आप लोगों के सिलेक्ट होने के। अगर आप सिंसियरली अगर बच्चे वहाँ प्रिपेयर करेंगे तो उनके चांसेस अभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बताना ज़रूरी, मेरा मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा एक सीट, पंजाब एक सीट, राजस्थान एक सीट, सिक्किम एक सीट। बच्चा बोलता है सर राजस्थान तो सबसे बड़ा एरिया वाइज, पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, तो एक सीट का ही रिप्रेजेंटेशन दिया है। सिक्किम भी एक सीट है। आते हैं नीचे, फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख लेंगे। हमने ये देख लिया है सिक्किम तक। सिक्किम के बाद तमिलनाडु दो सीट, ठीक है, तमिलनाडु की देर आर टू सीट्स, ओके, याद रखना तमिलनाडु की दो सीट्स है, महाराष्ट्र की भी दो सीट्स। तेलंगाना एक सीट, त्रिपुरा एक सीट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा तीन सीट्स हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी तो देखो ना आप, 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, कंट्रीज को पीछे करता है, तो उस हिसाब से तीन सीट्स ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड की भी एक सीट है। उत्तराखंड में पेरेंट्स बहुत बहस करते हैं हमारे साथ, नहीं सर उत्तराखंड से दो आते हैं। भाई ऑफिशियल एक सीट है, दो जा सकते हैं उत्तराखंड से, अदर स्टेट से भी दो जा सकते हैं। अगर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अगर किसी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेट से बच्चा नहीं क्वालिफाई हुआ, सपोज वेस्ट बंगाल से एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दो सीट्स तो वेस्ट बंगाल की हैं, तो
तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा, अगर बाय द वे उत्तराखंड के बच्चों के बहुत अच्छे नंबर है, टॉप मोस्ट है, तो उनकी सीट आ जाएगी। इस तरीके से स्टेट से भी कभी कभी दो या तीन बच्चे निकल जाते हैं, ओके। क्योंकि उत्तराखंड में दो बच्चे निकलते थे पहले, एक ट्रेंड था, तो तब से चला आ रहा है कि उत्तराखंड की दो ही सीटें। लेकिन मैं फिर से पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ, खासकर जितने भी मेरे उत्तराखंड के पेरेंट्स हैं, उत्तराखंड की एक ही सीट है, ये आप मान लीजिए ऑफिशियल एक ही सीट है, वेस्ट बंगाल की दो सीट्स हैं। इसका मतलब तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन्हीं की सीट्स हैं एक से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा तीन है, बाकी सारे ही स्टेट्स की एक एक सीट्स देखने को मिल रही है। यूटीज़ में आते हैं, ठीक है, यूनियन टेरेटरी में आते हैं, तो यूनियन टेरेटरी में जितनी भी यूनियन टेरेटरी है सबको मिलाकर सीट एक ही है, ओके। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सबको मिला के देर इज़ ओनली वन सीट, ठीक है। तो टोटल जो बॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन है आरआईएमसी में वो 36 हो चुका है, पहले 25 का था, अब 36 हो चुका है। तो 36 स्टूडेंट्स हैं, 36 बॉयज़ हैं जो आरआईएमसी में लिए जाते हैं, हर एक सेमेस्टर वाइज आप कह सकते हो, हर एक सेशन में 6-6 महीने का सेशन होता है, इसलिए 6-6 महीने में एग्जाम्स भी होते हैं आरआईएमसी में, ओके। सो 36 इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। आई होप कि पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है पेरेंट्स को। और मैं एक चीज़ और आपको फिर से कहना चाहता हूँ, फिर से ये चीज़ मैं रिपीट करूँगा, पेरेंट्स पूछते भी हैं, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली भी फिर कभी कभी कोई किसी स्टेट्स की सीट्स ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का पहले रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। अगर वेस्ट बंगाल से बच्चा नहीं निकला, उत्तर प्रदेश से बच्चा नहीं निकला, तो इनकी सीट्स फिर ऑल इंडिया लेवल पर भरी जाएगी, मतलब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जो सबसे टॉप में होंगे बच्चे, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, देखा जाता है कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में कौन टॉप में बच्चे, उसके हिसाब से फिर उनको भरा जाता है आरएमसी में, क्योंकि आरएमसी में 36 बच्चों को भरना ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी कभी सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, ओके। लेकिन अगर एक एक स्टेट से बच्चा क्वालिफाई भी है, जैसे उत्तर प्रदेश से एक बच्चा क्वालिफाई भी है, उसके कम नंबर हैं लेकिन क्वालिफाइड है, रिटर्न भी क्वालिफाइड, इंटरव्यू भी है, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो आप देखना कि कितना वेरिएशन, जब रिजल्ट आता है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, तो कितना वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट्स में। कभी कभी 350-360 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, और 260-250 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब रिजल्ट आएगा आरआईएमसी का, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तब तक ले आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ओके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन ताकि यू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।